हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। आज मैं इंस्टेंट हरी मिर्च के अचार की रेसिपी को शेयर करूंगी। खाने के साथ अचार हो और वो भी हरी मिर्च का, तो खाने का मजा बहुत बढ़ जाता है। तो आज हम बनाते हैं खट्टा और तीखा हरी मिर्च का अचार। हरी मिर्च के अचार के लिए मैंने ये 200 ग्राम हरी मिर्च ली है। इसे मैंने धोकर पोंछ कर थोड़ी देर धूप में रख दिया था, जिससे कि अच्छी तरह से सूख गई है और इसकी डंडियां भी हटा ली हैं। ज्यादातर हम हरी मिर्च के अचार को बनाते हैं तो बीच से चीरा लगाकर मसाले भरते हैं। इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। ये मैंने हरी मिर्च को बीच से कट करके एक मिर्च के दो पीस कर लिए हैं, जिससे कि हमें इसमें मसाले नहीं भरने पड़ेंगे और ये बहुत जल्दी और बहुत अच्छा अचार बन जाएगा। बाकी के इंग्रेडिएंट इस तरह हैं। अजवाइन ली है 1 टीस्पून, सिरका लिया है 4 टीस्पून, सरसों का तेल 3 टेबल स्पून लिया है, राई 3 टीस्पून, सौंफ 2 टीस्पून ली है, मेथी दाना 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक लिया है 3 टीस्पून और हींग ली है 1/2 टीस्पून। इसके लिए एक पैन को हम गैस पर रखेंगे और इसमें डालेंगे राई, मेथी दाना, अजवाइन और सौंफ। इन चारों मसालों को हमने ड्राई रोस्ट करना है, जिससे कि इसमें जो मॉइस्चर होगा वह खत्म हो जाएगा और साथ ही इसकी खुशबू बहुत अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। मसाले जब ड्राई रोस्ट होते हैं उनसे खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। हमने इन्हें ज़्यादा देर तक रोस्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जल जाएंगे और अचार में टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब ये हल्के हल्के से रोस्ट हो गए हैं तो गैस को हम बंद कर देंगे। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे। अब हम सरसों के तेल को अच्छी तरह से धुआं आने तक गर्म करेंगे। अब तेल गर्म हो गया है तो गैस को बंद कर देंगे। जब ये ठंडा होगा तब इसे अचार में हम मिक्स करेंगे। कोई भी अचार बनाना हो तो तेल को इसी तरह से गर्म करके फिर ठंडा करना चाहिए, फिर मिक्स करना चाहिए। ये मैंने चारों मसालों को दरदरा पीस लिया है। तो अब अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए ये मैंने बड़ा बाउल ले लिया है, इसमें अचार को मिक्स करना इजी रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। अब इस बाउल में हम पहले सूखे मसाले डाल लेंगे, फिर हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स हम स्पून से ही करेंगे क्योंकि मिर्च काफी तीखी होती है और हाथों में जलन हो सकती है। अब इसमें हम सिरका मिला लेंगे। सिरका प्रिजर्वेटिव का काम करता है और इससे अचार भी खट्टा हो जाता है। खट्टा होने से मिर्च का तीखापन भी थोड़ा कम हो जाता है। अब एंड में हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखें कितना अच्छा हरी मिर्च का अचार तैयार हो गया है। अब हमें चाहिए होगा ग्लास का या प्लास्टिक का एक एयर टाइट जार। ये मैंने ले लिया है एयर टाइट जार। हमें यह ध्यान रखना है कि ये जार बिल्कुल साफ और सूखा होना चाहिए। अब इसमें हम अचार को डाल देंगे। अगर आपके पास एयर टाइट जार नहीं है या फिर जार है तो उसका ढक्कन हल्का भी लूज है, तो आप एक पतला कपड़ा इस तरह से जार के ऊपर लगा लें या इस तरह से फॉइल पेपर लगाकर ढक्कन को बंद कर दें, जिससे कि अचार में मॉइस्चर ना जाए। अब ये हरी मिर्च का अचार तैयार हो गया है। इसे हम 2 से 3 दिन के लिए धूप में रखेंगे। ये डिपेंड करेगा कि धूप कितनी तेज है। अगर धूप ज़्यादा तेज है तो 2 दिन के लिए ही रखना बहुत रहेगा। ये अचार जल्दी खराब नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि अचार और भी लंबे टाइम तक खराब ना हो, तो आप इसे धूप दिखाने के बाद थोड़ा सा सरसों का तेल और डाल दें इसमें, तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक भी खराब नहीं होगा। ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे घर पर जरूर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।